अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनाजो किचन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं वेजिटेबल सूप बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप तक शेयर करना चाहती हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सूप बनकर तैयार होता है इस तरह से बनाने पर, और ये इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। तो इसे आप भी बनाएं और आप भी बनाकर ट्राई करें और इसे बच्चों को दें, अपने पिएं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने क्या क्या इसके लिए दिया है। वेजिटेबल सूप आज बना रही हूँ। जो यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन एक मैंने काट लिया है, और ये शिमला मिर्च थोड़ा सा मैंने काट लिया है, और ये स्प्रिंग अनियन का आगे का हिस्सा वाइट वाला पोर्शन मैंने काटा है, और ये मैंने ये गाजर लिया है। गाजर को इतना काट लिया है इस तरह से, और ये मकई का दाना मैंने लिया है, और ये फ्रेश बीन लिया है, बीन्स लिया है मैंने, इनको भी इस तरह काट लिया है, इन सबको इस तरह काट लिया। यहाँ मैंने ग्रीन चिली ली है, एक मोटी वाली और एक बारीक वाली, और ये जीरा काली मिर्च को मैंने दरदरा सा कूट लिया है, और ये मैंने आंवला लिया है, और ये लहसुन इस तरह मैंने चॉप कर लिया है, और ये जिंजर को भी, इन सबको ऐड करते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पालक लिया है जो इस तरह से काट लिया है। चलिए बनाना। यहाँ मैंने इसमें लहसुन को इस तरह डाल दिया, और ये जो मैंने प्याज रखी है इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे थोड़ा सौटा कर लेंगे। ये अदरक को इसमें डाल देंगे और थोड़ा देर सौटे कर लेंगे। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इतना देर करना है। अब इसमें जितनी सब्जियां मैंने काट कर रखी, ये शिमला मिर्च मैंने ऐड किया, ये मैंने मकई का दाना ऐड किया, गाजर मैंने ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो मैंने स्प्रिंग अनियन काट कर रखी थी, इसे अभी हम रख लेंगे साइड में, इसे अभी नहीं डालेंगे। ये मैंने बीन्स को मैं इसे ऐड करना है, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। इसे थोड़ा देर हल्का सा सॉटे कर लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होता है ये सूप, बहुत ही टेस्टी। आप इसे जरूर बनाना और सबको सर्व करना, ये ताकत का भंडार है। ये जबरदस्त इम्यूनिटी वाला बनकर सूप तैयार होगा। अब इसमें जो मैंने स्प्रिंग अनियन रखी थी इसको भी ऐड कर देंगे, और फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें पानी मैं बहुत ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि मैं इसका सूप बना रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 2 लीटर पानी मैंने ऐड किया। अब ये जो मैंने थोड़ा आंवला काट कर रखा है, इसे भी ऐड कर दूंगी, और इसे अब कवर कर देते हैं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और ये मिर्च मैंने काट कर रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे, और ये पालक साग जो मैंने रखा है इसे भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका खोलने तक इंतजार करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं थोड़ा सा हरी धनिया और हरी मिर्च ऊपर से ऐड कर रही हूँ, और अगर आपको तीखा और खाना है तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमारा ये जो है सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसका कलर पूरे सूप में, इसके ये थोड़ा हल्का गाढ़ा भी है, और इसके मकई के दाने, हर चीज़ इसकी गल चुकी है। अब फ्लेम को करती हूँ मैं बंद, और इसमें अब एक नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। फ्लेम को कर दिया मैंने बंद, अब इसमें मैं नींबू ऐड कर दिया, मैंने एक नींबू का रस इसमें ऐड किया। ये देखिए,
मेरा सूप बिल्कुल रेडी हुआ। आप इसे सब कोई पिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त, और ये ताकत का भंडार है इसमें।